फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फूडी एक्सप्लोरर। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ बंगाली स्टाइल स्पाइसी प्रॉन करी, मेरे एक सब्सक्राइबर के रिक्वेस्ट पे। और अगर आपको भी ऐसा कोई रेसिपी मुझसे जानना है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, मैं वो रेसिपी जरूर आपके साथ शेयर करूंगी। सो चलिए देख लेते हैं प्रॉन करी का रेसिपी। इस रेसिपी के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है 250 ग्राम्स ऑफ प्रॉन। इसको मैंने क्लीन करके वॉश कर लिया है, जिसका लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी होगा। प्लीज जाके थोड़ा चेक कर लीजिए कैसे प्रॉन को आप करेंगे क्लीन और वॉश। अब मैं इसमें डाल दूंगी नमक स्वाद अनुसार और डाल दूंगी 1/4 चम्मच हल्दी। अब इसको अच्छे से मैं मिक्स कर लूंगी। अब इसको 10 मिनट के लिए रख दूंगी। इस रेसिपी के इसीलिए मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून ब्लैक मस्टर्ड सीड्स, 1/2 टीस्पून येलो मस्टर्ड सीड्स, 1 टीस्पून पॉपी सीड्स, 2 ग्रीन चिलीज, नमक स्वाद अनुसार और 1 टीस्पून मस्टर्ड ऑयल और डाल दूंगी 1/2 कप पानी। अब इसका बना लेंगे पेस्ट। अब सबसे पहले मैं कढ़ाई में डाल दूंगी मस्टर्ड ऑयल। ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है, अब मैं इसमें डाल दूंगी ये प्रॉन्स। प्रॉन्स को बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, जस्ट शैलो फ्राई करना है, क्योंकि अगर आप प्रॉन्स को बहुत ज़्यादा फ्राई करेंगे तो फिर वो बहुत हार्ड हो जाएगा। जस्ट 2-3 मिनट्स के लिए इसको ऑयल पे चलाना है। अब मैं इसको निकाल दूंगी। अब इसी ऑयल में मैं डाल दूंगी प्याज। मैंने यहाँ पे एक बड़े साइज प्याज को काट लिया है। डाल दूंगी नमक स्वाद अनुसार। अब इसको अच्छे से मैं फ्राई कर दूंगी जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। अब मैं इसमें डाल दूंगी 1 टीस्पून लहसुन। आप लहसुन को अच्छे से फ्राई कर लेंगे जब तक लहसुन का कच्चा स्मेल चला ना जाए। अब मैं इसमें डाल दूंगी थोड़ा सा दूध, डाल दूंगी 1/4 चम्मच शुगर, 1/4 चम्मच हल्दी और 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर। अब मैं सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लूंगी। ये जो रेसिपी है इसमें पानी बिल्कुल नहीं ऐड करना है। अब मसालों को अच्छे से पकाना है। देखिए ये मसाला बिल्कुल ड्राई हो गया है, लेकिन अब इसको थोड़ा और भूनना है। अगर आपको इन बिटवीन लगे कि मसाला बिल्कुल ड्राई हो गया है तो फिर आप थोड़ा सा दूध फिर से ऐड कर सकते हैं, लेकिन पानी बिल्कुल भी ऐड मत कीजिए। अब मैं फिर से यहाँ पे डाल रही हूँ बहुत थोड़ा सा दूध। देखिए मसाले को अच्छे से मैंने पका लिया है। अब मैं इसमें डाल दूंगी मास्टर सीड, पॉपी सीड और ग्रीन चिली का पेस्ट जो मैंने बना के रखा था। अब मैं जस्ट 2-3 मिनट्स के लिए इसको चला लूंगी, क्योंकि मास्टर सीड देके बहुत ज़्यादा नहीं चलाना है, तो फिर वो उसका टेस्ट बिटर हो जाएगा। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1 कप दूध। अब जब इसमें बॉयल आ जाएगा तब मैं प्रॉन्स को डाल दूंगी। ये उबालना स्टार्ट कर दिया है, अब मैं इसमें डाल दूंगी ये फ्राई किया हुआ प्रॉन्स। बस 1 मिनट तक ही मैं इस ग्रेवी में प्रॉन्स को चला लूंगी। 1 टीस्पून मस्टर्ड ऑयल और दे दूंगी 2 ग्रीन चिलीज, एक बार मिक्स कर लूंगी। अब 30 सेकेंड्स इसको ऐसे ही उबाल लेंगे। गर्मा गर्म प्रॉन्स भी रेडी है। अब चलिए कर लेते हैं इसका प्लेटिंग। बन गया है गर्मा गर्म प्रॉन करी। आप भी इसे अपने घर में जरूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट में जरूर बताइए कि आज का रेसिपी आपको कैसा लगा। और अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड प्लीज फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।